नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट ओवरव्यू, जिसमें हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट आपके सामने रखा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे, निफ्टी टेक्निकल चार्ट पे क्या दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट चार्ट क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी को टेक्निकल चार्ट और ओपन इंटरेस्ट डाटा इसका कोरिलेशन करके हम एनालिसिस करेंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे स्टॉक्स और एनालिसिस प्रस्तुत किया जाए। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमेशा हम ओवरव्यू देते हैं लेकिन उसमें बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन यहाँ से आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए दोस्तों, बेनिफिशियल होगा। आप ट्रेड नहीं करते होंगे तब भी बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले आपके सामने यूएसडी आईएनआर का डेली चार्ट आप देख सकते हैं, डेली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और यूएसडी आईएनआर ने यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बेस था, बेस बना के 72.30 के आसपास बेस बना के ये ऊपर निकला, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो गया ऊपर निकला। तो यहाँ पे ये अभी पहला हायर बॉटम बनते हुए दिखा है। अभी यहाँ पे ये हायर हाइज बनेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होके ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल यहाँ से दिख रहा है। एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड अगर कोई लेना चाहता है यूएसडी आईएनआर में तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है दोस्तों। तो यूएसडी आईएनआर एक टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, और इसमें काफ़ी कम मार्जिन लगता है तो ट्रेडिंग के लिए आसान है। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया यूएसडी आईएनआर का ओवरव्यू। यूएसडी आईएनआर काफ़ी अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है चार्ट्स पे। फ्यूचर का जो प्राइसेस है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा दोस्तों, तो उसको आप चेक कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल जो यूएसडी आईएनआर का चार्ट है वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अभी हम बात करते हैं निफ्टी का दोस्तों। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी मजबूत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। ये ब्रेकआउट को तोड़ के निफ्टी ऊपर गया था और उसके बाद ये ऊपर गया है, यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है यानी निफ्टी 15,850 के ऊपर जाता है तो हम लोग 16,000 के आसपास के लेवल आने वाले सप्ताह में देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा ओवर स्ट्रेच है मार्केट, करेक्शन भी आ सकता है, लिटिल करेक्शन एक्चुअली कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि RSI में थोड़ा डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। अभी ये डाइवर्जेंस मेकिंग में है, डाइवर्जेंस क्लियर नहीं है, और डाइवर्जेंस आने से भी इतना स्ट्रांग मोमेंटम में स्टॉक मार्केट में ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं दिखते दोस्तों। डाउनसाइड लिमिटेड है, तो अगर डाउनसाइड आ गया तो 15,500 और 15,000 ये इमिडिएटली 15,700 एक स्ट्रांग सपोर्ट है 15,700 15,650 का दोस्तों। तो ये वाले लेवल्स डाउनसाइड 15,650 ये लिमिटेड, यहाँ से इसके नीचे जाते हुए आने वाले सप्ताह में नहीं देखने को मिल सकता, और अगर ऊपर गया तो ऊपर 16,000 के आसपास ये लेवल दिखा सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, तो उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन आपके सामने है और ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो स्पॉट प्राइस 15,800 में है, यहाँ पे कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल है 15,700 का, 15,700 में और 15,800 में काफ़ी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो 15,800 इटसेल्फ एक सपोर्ट लग रहा है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने से, और उसके नीचे 15,700 तो ये इससे नीचे आते हुए नहीं दिख रहा है ऑप्शन चेन में, काफ़ी मजबूत सपोर्ट नज़र आ रहा है। और ये देखेंगे 15,000 पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है तो 15,000 तो तोड़ने का कभी चांस ही नहीं है। तो ऊपर साइड में आप देखेंगे तो ये 16,000 का लेवल है, तो 16,000 में बड़ा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, तो 16,000
आने वाले सप्ताह में जा सकता है, और 16,000 को अगर तोड़ दिया तो और ऊपर की रैली हम देख सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। अब हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। सो बैंक निफ्टी का चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे तो अब आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई को अपना तोड़ा नहीं है, और यहाँ पे बार बार रीटेस्ट कर रहा है 35,000। लेकिन 35,000 एक अभी स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जनरेट हुआ है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसका ऑल टाइम हाई हिट करना निश्चित है। तो आपको 35,500 के लेवल्स को वॉच करना है दोस्तों। 35,550 क्रॉस करता है तो ये डेफिनेटली ऑल टाइम हाई की तरफ मूवमेंट करेगा दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और काफ़ी अच्छे टाइम बिताया है। लास्ट वीक में भी 800 टू 900 पॉइंट्स के आसपास ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई थी, और 35,541 का हाई बना के 34,641 का लो बनाया था पिछला सप्ताह में। तो अभी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसा यहाँ पे सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 35,000 में हाईएस्ट पुट है, हाईएस्ट पुट और चेंज इन ये मतलब, तो 35 ओपन इंटरेस्ट है 35,000 के पुट ऑप्शन में, तो 35,000 एक स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो 35,000 ब्रेक होने का चांसेस कम लग रहा है, और इधर आप कॉल साइड में देखेंगे तो 35,500 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। 35,500 ब्रेक करने से यहाँ भी काफ़ी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों स्वीट शॉर्ट एनालिसिस आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूएसडी आईएनआर के ऊपर, और यहाँ पे आप इसके बेसिस में स्टॉक्स में जाके देख सकते हैं दोस्तों। यूएसडी जैसा डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, उसको हमने अपडेट किया है, आप देख सकते हैं उसको। www.ssveeducation.com आप खोलेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक्स का एनालिसिस आपको पूरा देखने को मिलेगा। साथ ही में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग वहाँ पे भी पोस्ट किया है, तो कुछ भी डाउट होगा तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।